तो हेलो गाइस, आज आपका फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो जैसे कि मैंने एक अभी कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले एक दोस्तों पार्ट 1 अपलोड किया था मैंने, जो कि था ऑल अबाउट कार्फिशेज, जिसमें कि मैंने कार्फिशेज की सारी बेसिक टिप्स वगैरह बताई थी उनकी केयर के लिए। तो दोस्तों आज ये पार्ट 2 है, तो इसमें जो हम बेसिकली कार्फिश के टैंक सेटअप के बारे में बात करेंगे कि कार्फिश की जैसे कि केयर में टैंक सेटअप भी एक बहुत ही मेन चीज़ है हर फिश की केयर में, तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो ये इतने दिन इस वजह से लग गए दोस्तों क्योंकि मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था जो कि 2-3 पार्ट्स में था, लेकिन कुछ कारणवश मुझे वो वीडियो नहीं डाल पाया मैं, क्योंकि दोस्तों जैसा कि गर्मी बहुत पड़ रही है तो कूलर की आवाज़ से उसमें पीछे से सूं बहुत तेज़ हो रही थी, तो फिर वो वीडियो नहीं बना पाया। तो अब मैं गर्मी में बैठ के पंखे में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो यार लाइक तो कर देना, सब्सक्राइब भी। तो बात करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी कार्फिश की टैंक सेटअप के ऊपर। तो सबसे पहली जो चीज़ की हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि हर फिश के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि है टैंक में स्पेस। फिश को फ्रीली स्विम करने के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए, उसके अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है उसे अच्छी स्पेस मिले, अच्छी फूड के साथ साथ हर फिश के लिए ज़रूरी है उसे अच्छी स्पेस मिले दोस्तों। जैसा कि कार्फिश की मैंने बताया था ये बहुत ही बड़े साइज तक जाती है, तो आपको उसके लिए टैंक अच्छा रखना होगा। वैसे तो ये बेसिकली पौंड के लिए अच्छी फिश होती हैं, लेकिन टैंक में भी हम रखते हैं, सही अच्छी रखती हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं दोस्तों। इनके लिए टैंक साइज, जैसा कि अगर आपकी फिश 6 इंचेस तक है तो आप 2.5 to 3 फीट के टैंक में रखिए, और आप 2-3 पेयर 3-4 पेयर तक रख सकते हैं आप 3 फीट तक के टैंक में, आसानी से अच्छे से रहेंगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी 6 इंचेस तक की फिश को। और थोड़ी छोटी फिश को रख सकते हैं, उनसे छोटी तो आप रख ही सकते हैं तो दोस्तों। लेकिन अगर आपकी फिशेज बड़ी है, ऐसी 8 इंचेस की है, तो मेरे पास तो अभी मेरी फिश जैसे कि काफ़ी बड़ी हो गई है, 8 इंचेस की हो गई है, 8 to 9 इंचेस। मैंने अभी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं किया, लेकिन ये 8.5 inch to 9 inch क्रॉस है दोस्तों। तो लेकिन मेरे पास अभी 2.5 फीट का टैंक है, लॉकडाउन की वजह से मैं रिप्लेस नहीं कर पाया हूँ। और आपको भी शायद ये परेशानी आ रही होगी कि आपकी फिशेज बड़ी हो रही होंगी लेकिन आप उन्हें रिप्लेस नहीं कर पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कि मैंने अपने टैंक में से सारे टॉयज वगैरह हटा दिए, मैंने सिर्फ 2 हाइडिंग प्लेसेज और प्लेइंग के लिए फिशेज के लिए 2 मटकी छोटी छोटी एक प्लांट लगा रखा है ये, और फिशेज को स्विम करने के लिए पूरी जगह दे दी है जिससे कि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। ऐसा ही आप कर सकते हैं, आप टॉयज वगैरह भी रिमूव कर सकते हैं। तो टॉयज की बात चल रही है दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा जैसे कि कार्फिश जो होती है हमारी, उसे स्पेस ज़्यादा नीड होती है, वो हाइडिंग में हाइड नहीं करती है। हमारी कार्फिश जो होती है वो सिर्फ बेस में बैठती है, वो हाइड नहीं करेगी। अगर आप कोई प्लांट या टॉय लगाएंगे, टॉय के अंदर जाके हाइड नहीं करेगी, वो टॉय वगैरह के थोड़े से पीछे, प्लांट के पीछे हाइड करेगी। आप नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे स्विम करने के लिए पूरी स्पेस चाहिए, वरना उसे दिक्कत होगी। और हो सकता है अगर आपका टैंक ग्लास मजबूत नहीं होगा और टैंक ज़्यादा छोटा पड़ रहा होगा फिश के लिए, तो वो उसे ब्रेक भी कर सकती है आसानी से। तो दोस्तों जैसे कि टॉय की अभी मैंने बताया, अब बात करते हैं हम बेस के ऊपर। कार फिश के लिए आपको बेस में क्या रखना चाहिए, सैंड, ग्रेवल, कई सारे ऑप्शन दोस्तों, जैसे कि नेचुरल, कई ऑप्शन आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि प्लांटेड टैंक्स में भी नेचुरल वेडिंग चलती है। लेकिन दोस्तों हमें कार्फिश के लिए नेचुरल नहीं रखना है, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये फिश को आदत होती है ये ग्रेवल के नीचे बेस में ये मुंह डाल के और फिर खाना वगैरह ढूंढती है और कुछ भी होता है वो खाती है, या फिर ये ग्रेवल को मुंह में लेके घुमा के टॉफी की तरह और फिर ये थूक देती है वापस टैंक में डाल देती है, अंदर नीचे करती। तो दोस्तों इसलिए हमें इसके बेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर आप ग्रेवल रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी ग्रेवल रख सकते हैं, लेकिन मिक्स कलर की जगह आप वाइट कलर के नेचुरल कलर वाली ग्रेवल रखिए, वो ज़्यादा अच्छी रहेंगे आपकी फेसेज के लिए, जिससे उसकी हेल्थ पर कलर का कोई असर नहीं पड़ेगा। या फिर दोस्तों आप सैंड मत रखिए,
क्योंकि सैंड से क्या होगा, जैसे ही ग्रेवल को लेके मुंह में च्यू करती है, ऐसे अगर ये सैंड में करेगी और सैंड अगर आपकी सैंड से फिश के मुंह में लग सकती है, या फिर ये धीरे धीरे करके इसके अंदर सैंड इकट्ठी होगी, तो उससे इसकी डेथ भी हो सकती है। तो इससे आपकी फिश को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, तो आपको सैंड नहीं रखनी है। और बात करते हैं दोस्तों, प्लांटेड टैंक में नेचुरल जो सॉइल आती है वो भी आप मत रखिए, क्योंकि आपके प्लांट्स को ये छोड़ेगी नहीं। प्लांट्स को धीरे धीरे करके, जैसे अब ग्रेविल में ऐसे करती रहती है, ऐसे ही उसमें करेगी, तो आपके प्लांट्स वगैरह को सबको पूरे को उखाड़ देगी। जैसा कि प्लांटेड टैंक में हर फिश सूटेबल नहीं होती, तो कार फिश भी उसमें सूटेबल नहीं होती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके जो वाटर का है, वो टैंक के स्पेस पर ही जैसे कि डिटरमाइन रहता है। जितना बड़ा टैंक होगा आपका वाटर, तो अच्छे से उतना ही ज़्यादा होगा ही। इसके वाटर में जो आपको फ्लो रखना है टैंक में, वो मीडियम फ्लो रख सकते हैं आप। नॉर्मल फ्लो रखिए, उससे सही रहेगी। ज़्यादा हाई भी फ्लो मत रखिए, ज़्यादा लो भी एकदम फ्लो मत रखिए। थोड़ा सा फ्लो इस रखना है बस, इसे उसी से चलता है। और हाइडिंग प्लेसेस वगैरह इसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा जो बेसिकली इसमें था वो था टैंक साइज और बेस और टॉयज वगैरह का, इसका जो मेनली चीज़ थी वो इसी पर डिपेंड थी आज की वीडियो की। टैंक सेटअप में आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है काफ़ी इसकी। और दोस्तों एक और बात, जैसे कि टैंक सेटअप में अगर हम टॉयज वगैरह नहीं रख रहे हैं, तो आप नेचुरल लुक में रॉक डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने डाल रखे हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था रॉक का, नेचुरल रॉक का, आप कैसे उन्हें अपने एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे इस तरीके से एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट दे दीजिए फिश को, जिससे कि नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या होता है, फिश अच्छी रहती है। नेचुरल एनवायरनमेंट में अब आप सॉइल डाल के प्लांटेड एक्वेरियम नेचुरल टैंक सोचेंगे, लेकिन वो नहीं करना है। आप सिर्फ रॉक्स वगैरह डाल सकते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट थोड़े बहुत डाल सकते हैं, और मटकी वगैरह ऐसे डाल सकते हैं। इससे क्या एकदम टैंक में थोड़ा नेचुरल लुक आ जाता है, जिससे कि अच्छा रहता है। एक और बात दोस्तों, जैसे कि टैंक का वाटर एकदम हमें साफ रखना होता है, कि ताकि अमोनिया लेवल वगैरह हाई ना हो और फिश को कोई दिक्कत ना हो। तो थैंक यू दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई डाउट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।